सब्सक्राइब कीजिए इफेक्टिव वर्ड यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ऑल सिलेक्ट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इफेक्टिव वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलियंस और उनके अस्तित्व को साबित करने वाली घटनाओं की। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल इफेक्टिव वर्ड को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल बटन को प्रेस करें। दोस्तों, एलियन के अस्तित्व को लेकर इस दुनिया में एक बहस छिड़ी हुई है, जहां कुछ लोग इस बात को स्वीकारते हैं कि एलियंस होते हैं, तो वहीं कुछ लोग एलियंस के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार देते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन एलियंस को लेकर कुछ ऐसे सवाल है जो हमारे दिमाग में अक्सर घूमते रहते हैं, जैसे कि क्या वाकई में एलियंस होते हैं, क्या वाकई एलियंस का धरती के अलावा किसी अन्य ग्रह पर भी जीवन संभव है, अगर एलियंस सच में होते हैं तो वो दिखते कैसे होंगे, उनकी टेक्नोलॉजी कैसी होगी। ये ऐसी कुछ बातें हैं जो एलियंस और यूएफओ की बातें सुनकर अक्सर हमारे दिमाग में आ जाती है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस होने के बावजूद भी हम लोग एलियंस और उनके अस्तित्व के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं पाते। लेकिन इस धरती पर कभी कोई एलियंस देखे जाने की बात कहता है, तो वहीं कई लोग मानते हैं कि एलियंस इस धरती पर आते जाते रहते हैं। इस दुनिया में समय समय पर एलियंस और उनके अस्तित्व को लेकर कोई ना कोई सबूत देखने को मिलते रहते हैं। अभी हाल ही में ब्रिटेन में एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि उन्होंने धरती से परे जीवन होने के प्रमाण को खोज निकाला है। चंद्र विक्रम नाम के इस वैज्ञानिक का कहना है कि दिसंबर महीने में श्रीलंका में एक उल्कापिंड का टुकड़ा गिरा था, जिसमें शैवाल के छोटे छोटे जीवाश्म चिपके हुए थे और ये देखने में बिल्कुल समुद्री जीव शैवाल की तरह थे। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। उल्कापिंड का ये टुकड़ा श्रीलंका के एक शहर में गिरा था। गांव वालों ने इस टुकड़े को देखा तो इसमें से धुआं निकल रहा था। ब्रिटेन की एक प्रयोगशाला में इस टुकड़े का निरीक्षण करने पर जो बात सामने आई वो चौंका देने वाली थी। दरअसल इस उल्कापिंड में जो सूक्ष्म जीव मिले थे, वो आज से लाखों साल पहले पाए जाने वाले डायनासोर के जीवाश्मों की तरह थे। इस वैज्ञानिक का दावा है कि उन्हें जो सबूत मिले हैं, उसके अनुसार यह कहना गलत नहीं होगा कि धरती के अलावा अन्य ग्रहों पर भी जीवन संभव है। दोस्तों, आइए अब एक सच्ची घटना को विस्तार से जानते हैं। ये घटना मैक्सिको की है। लोगों ने दावा किया है कि यहाँ के एक कब्रिस्तान में एलियंस की खोपड़ियाँ दिखी है। साल 1999 में एक छोटे मैक्सिकन गांव के स्थानीय लोग एक नहर की खुदाई कर रहे थे और इस दौरान उन्हें एलियंस की ये खोपड़ियाँ हाथ लगी थी। इस खुदाई में कुल 25 खोपड़ियाँ पाई गई, जिनमें से ज्यादातर खोपड़ियों का आकार बहुत ही भयानक और देखने में एलियंस जैसा था। बाद में जब शोधकर्ताओं ने इस पर खोज की तो उन्होंने पाया कि सचमुच ये खोपड़ियाँ इंसानों की तरह नहीं थी, बल्कि ये खोपड़ियाँ किसी एलियंस की तरह मालूम हो रही थी, जिसके बड़े सिर और भयानक दांत थे। लगभग 1000 साल पुराने इस कब्रिस्तान में एलियंस की खोपड़ियों का मिलना इस बात को आधार देता है कि एलियंस शायद सैकड़ों सालों से इस पृथ्वी पर आते जाते रहे हैं। ये सारी बातें साबित करती है कि धरती से परे दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है और वहाँ पर रहने वाले जीव जिन्हें हम एलियंस के नाम से जानते हैं, वो सैकड़ों सालों से इस ब्रह्मांड का हिस्सा रहे हैं। दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं जब आने वाले समय में इंसान एलियंस और उनसे जुड़े रहस्यों को इस दुनिया के सामने उजागर कर देंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एलियंस वास्तव में है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल इफेक्टिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।